कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने इस बार देश में हो रही मॉब लिंचिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए लिखा कि साल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था, इसके लिए आपको धन्यवाद पीएम मोदी। गौरतलब है कि पंजाब के कपूरथला के निजामपुर गाँव में एक गुरुद्वारे में सिख धर्म के निशान साहिब का अनादर करने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर कथित तौर पर मार डाला था। इससे पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कथित बेअदबी को लेकर भीड़ ने एक अन्य व्यक्ति की पीट पीट कर कथित तौर पर जान ले ली थी। ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद है कि ये शब्द लगातार सुनने में आता है। तो ऐसे में अब बीजेपी 2014 से पहले जब सरकार हुआ करती थी यूपीए की, तब के आंकड़े गिनाती हुई नजर आ रही है और ये दिखा रही है कि 2014 से पहले देश भर में कौन कौन से राज्यों में कितनी बार लिंचिंग हो चुकी है। दिल्ली में नहीं पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। इसके चलते मरीजों का अब अस्पतालों में इलाज काफी मुश्किल हो चुका है। स्थिति ये है कि सफदरजंग सहित राजधानी के तमाम बड़े अस्पताल ऐसे हैं जहां पर मरीज छुट्टी लेकर जाने को मजबूर हैं। हालांकि दिल्ली एम्स में डॉक्टर्स की हड़ताल नहीं है, लेकिन यहां मरीजों को एडमिशन भी नहीं मिल पा रहा है। उधर रेजिडेंट डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। नई दिल्ली स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय के ठीक सामने 8 घंटे तक डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार सफदरजंग अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के 5 अस्पताल और जीटीबी सहित कई अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। मरीजों को ओपीडी के अलावा इमरजेंसी में भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान है, मरीज बेहद परेशान है, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं 2021 नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं। सफदरजंग अस्पताल के कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल दिन तो दिन रात में भी लगातार जारी है। कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया है। हालांकि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मरीजों को नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में कई मरीज ऐसे हैं जो छुट्टी लेकर वापस जाने को मजबूर हैं। पनामा पेपर लीक से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर जया बच्चन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ऐश्वर्या से पूछताछ करने पर कहा कि ये लोग यूपी से डरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन से जब ऐश्वर्या राय बच्चन पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि जब उनसे कहा गया कि कल शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया था कि जया जी संसद में मुखर रहती हैं, इसके लिए उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, इस पर जया बच्चन ने कहा कि अंग्रेजी में कहावत है, लड़खड़ाती नाव से सबसे पहले कौन भागता, यही हाल हो रहा है इनका, डरे हुए हैं यूपी से। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी के सवाल पर जया बच्चन ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए लोग टारगेट कर रहे हैं, ये लोग लाल टोपियों से घबरा गए हैं, ये लाल टोपी ही इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी। तो जया बच्चन लगातार मुखर होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जब उनकी बहू ऐश्वर्या बच्चन से पूछताछ ईडी कर रही थी इसके सवाल पर तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन संजय राउत के बयान पर लगातार वो तीखी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लाल रंग से, लाल टोपी से लोग डरे हुए हैं, यूपी में डरे हुए हैं और इसी वजह से लगातार ये दूसरों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये लाल टोपी है जो इन्हें कटघरे में खड़ा जल्द से जल्द करने वाली है। उत्तरकाशी में 2022 के चुनाव को लेकर गंगोत्री विधानसभा में बीजेपी ने क्षेत्रों में दौरा करना शुरू कर दिया है। तो वहीं प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान उत्तरकाशी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे और मीडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से चल रही योजना धारा 370 हटाने, राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर बातचीत की है। उत्तरकाशी की तस्वीरें, गंगोत्री विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है, ऐसे में तमाम बीजेपी नेता यहां पहुंच रहे हैं, जनता से मुलाकात हो रही है, पदाधिकारियों से यहां पर बैठक में चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो भाजपा कहती है उस कार्य को पूरा करती है।
इसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा के दौरान उन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ उन्होंने हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया परमाणु के साथ उन्होंने जनता के बीच रखा। और इसी के तहत हमारी अभी 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर सैकड़ों जनजाति परिवार के लोगों ने बीजेपी में आस्था जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि 2022 का चुनाव नजदीक आते ही अन्य पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में खटीमा में भी उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़कर पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए। वहीं गीता धामी पार्टी को मजबूती देने के लिए दिन रात लगातार गांव-गांव घूमकर पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को लगातार जागरूक कर रही हैं। खटीमा की तस्वीरें गीता धामी लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से वो लोग खुश हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से काफी लोग प्रभावित हुए हैं और प्रभावित होकर सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी में आस्था जताई है और सदस्यता ग्रहण की। 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में अन्य पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में खटीमा में भी उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर विधानसभा खटीमा में थारू समाज के इत्यादि समाज के लोगों ने सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण की है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर समाज को साथ में लेकर के चलते हैं, हर समाज के लिए वे कार्य कर रहे हैं और हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जो है सड़कों से भी आए हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनजाति थारू समाज के लिए एकलव्य विद्यालय खटीमा में खुलवाने का कार्य किया है जिसमें कई सैकड़ों बच्चे जो है इसमें शिक्षा लेंगे। चमोली के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से मुलाकात में कहा कि नशे का जहर पहाड़ में भी चढ़ रहा है। इस अपराध को रोकने के लिए पुलिस हर वक्त अलर्ट रहेगी। थानों में शिकायत दर्ज कराने के मामले में कोई कोताही नहीं रखी जाएगी। हर थाने में महिला डेस्क शख्स की जाएगी और साइबर क्राइम पर कड़ी नजर भी रखी जाएगी। महिला कानूनी अधिकारों की जानकारी के लिए चौपालों को और अधिक विस्तार दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवा पीढ़ी स्मैक जैसे खतरनाक नशे से कैसे दूर रहे, इसके लिए कॉलेजेस में काउंसलिंग और सलाह चौपालें आयोजित की जाएंगी। तो चमोली में पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत की और पहाड़ों में बढ़ते नशे के खिलाफ लगातार वो कहती हुई नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम चौपालें लगानी होंगी ताकि लोगों तक हमारी बात आसानी से पहुंच सके। तो चमोली के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से मुलाकात की और बातचीत में कहा कि नशे का जो जहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस अपराध को रोकने के लिए पुलिस हर वक्त कोशिश करेगी, अलर्ट रखेगी और थानों में शिकायत दर्ज कराने के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साइबर क्राइम हो, महिला कानूनी अधिकारियों की जानकारी हो, तो ऐसे में चौपालें लगाई जाएंगी और कॉलेजेस में जाकर भी काउंसलिंग की जाएगी। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना सबसे बड़ी जो हमारी प्रायोरिटी होती है वही है, परंतु इसके अलावा जो हमारे मेजर थ्रस्ट एरिया है जो मेरी प्राथमिकता पे रहेंगे वो है कहीं ना कहीं जो ड्रग्स अपना जड़े जमा रहा है, ड्रग्स की जो समस्या है, तो एक तो उस पर काम रहेगा फोकस। उसके अतिरिक्त साइबर क्राइम भी जो है वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी शिकायतें काफ़ी लोगों द्वारा साइबर क्राइम से संबंधित जो शिकायतें आ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और उसके संबंध में लोगों को अवेयर करना, एक अवेयरनेस ड्राइव चलाना। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बेटे और युवा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने आज काशीपुर स्थित दरगाह नियाज अली शाह रहमत शाह बाबा में चादर पोशी कर देश और उत्तराखंड प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआएं की हैं। इस दौरान उनके साथ यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन से जुड़े कई नेता भी शामिल रहे। काशीपुर की तस्वीरें जहां पर राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत पहुंचे और यहां दरगाह पर
चादरपोशी की है। साथ ही साथ प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगते हुए भी वो नजर आए हैं। तो गौरव टिकैत के साथ तमाम किसान नेता भी शामिल रहे। किसान यूनियन से नेता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूनियन के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष और किसान यूनियन से तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे थे। चादरपोशी करते हुए राकेश टिकैत के बेटे यहां नजर आए। किसान आंदोलन में लोगों ने मंदिरों में प्रार्थनाएं करी, लोगों ने मस्जिदों में दरगाहों पर प्रार्थना करी, गुरुद्वारों में अरदास करी और निश्चित ये उस पल्ले वाले का, उस परमात्मा का, अल्लाह का वाहेगुरु की मेहर है कि किसान सम्मान के साथ में आप अपने घरों में पहुंच गया। और जो समझौता सरकारों के साथ में हुआ, सरकारें अब उस पर काम करना शुरू करें। उसमें MSP की बात भी थी, उसमें जो किसान किस एक साल के दौरान शहीद हुए उनकी बात भी थी, और जो मुद्दे और भी हैं जहां जहां पे सहमति बनी उन पे अब सरकारें काम करना शुरू करें। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले अब कम होते जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 5,326 नए कोरोना केसेज आए हैं और 453 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं भारत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 200 मामले सामने आए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,47,52,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,78,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,41,71,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1,00,000 से कम है। वहीं करीब करीब 80,000 से ज्यादा लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है जिनका इलाज किया जा रहा है। तो कोरोना वायरस के मामले तो कम हो रहे हैं, लेकिन जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,000 नए केसेस दर्ज किए गए, 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ओमिक्रॉन के 200 मामले सामने आए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं उसके तेजी के साथ ठीक भी हो रहे हैं और कोई सीरियस जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ओमिक्रॉन के मामले 200 हो चुके हैं और ये जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोरोना की अगर बात हम करें मामलों की, तो वो कम हुए हैं। जहां बीते सप्ताह 8,000, 9,000, 10,000 मामले सामने आ रहे थे, अब एकदम से कम होकर 5,000 पहुंच गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कुछ विदेश से लौटे लोग बताए जा रहे हैं कि कुछ राज्यों में वो लापता हैं जिनकी कोई डिटेल्स अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में उन पर भी पैनी निगाह जो है वो रखी जा रही है। जा रहा है कोरोना का नया वेरिएंट एक बार फिर से डरा रहा है। तमाम देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है, तो वहीं भारत भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। सीतापुर के तहसील मिश्रिक इलाके में आवास और शौचालय आवंटन में की गई मनमानी के कारण नाराज ग्रामीण अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें कि दो महिला और बुजुर्ग सहित 7 ग्रामीण कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। वहीं इस आमरण अनशन के चलते दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि तमाम समस्याओं को लेकर ये ग्रामीण जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। तहसील मिश्र की बताई जा रही है, जिसमें आवास और शौचालय आवंटन में जो मनमानी की गई है उससे ग्रामीण नाराज हैं, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जिनमें से महिला और बुजुर्ग सहित 7 ग्रामीण कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। इस आमरण अनशन के चलते दो की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। आवास के वितरण को लेकर जो गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर नाराजगी इन ग्रामीणों में देखी गई और काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। हालांकि जो 7 ग्रामीण हैं वो कई दिनों से बैठे हुए हैं, जिनमें से दो की हालत एक बुजुर्ग महिला बताई जा रही है, उनकी हालत बेहद गंभीर है। ऐसे में डॉक्टर्स वहां पहुंचे, उनका हालचाल जाना है, लेकिन कोई भी अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा है इनकी सुध-बुध लेने के लिए।
तो सीतापुर की तस्वीरें जहां पर ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है, उसके बावजूद भी अधिकारी यहां नहीं पहुंच रहे हैं। सीतापुर के तहसील मिश्रिक इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर आवास और शौचालय आवंटन में की गई मनमानी के कारण नाराज ग्रामीण अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। बता दें कि दो महिला और बुजुर्ग सहित 7 ग्रामीण बताए जा रहे हैं जो कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। पहले हम 2 लोग बैठे थे, उसके बाद एक आदमी बाद में बढ़ा, उसके बाद 2 महिलाएं और 2 पुरुष और बढ़ गए हैं, कुल 7 लोग हम हो गए जी। 2 लोगों की स्थिति भी बहुत खराब है जी, हालत बहुत खराब है, बीपी हाँ। बहुत बढ़ा हुआ है, बीपी बहुत बढ़ा जी। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी भी कल आए थे कोई? हाँ, कल माननीय विधायक जी और श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय और साथ में उनके फोर्स था जी, जो आए हुए थे। लेकिन वही पिछले वर्ष जैसा कि श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो आश्वासन दिया गया था वो पूरे वर्ष पूर्ण रूप से झूठा साबित हुआ, जिससे हम लोग बीओस होकर पुनः बैठ गए थे। अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर चीनी मिल चालू कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय बंद करने की धमकी दी है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने किसानों से कहा है कि अगर आप कार्यालय बंद कर देंगे तो हम जन सुनवाई कैसे करेंगे। बता दें कि किसान लंबे समय से चीनी मिल चालू कराने की मांग को लेकर डीएम और मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं। अलीगढ़ की तस्वीरें जहां पर चीनी मिल चालू कराने की मांग को लेकर लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी वहां पहुंची है, किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की। अलीगढ़ के चीनी मिल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर चीनी मिल चालू कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय बंद करने की धमकी तक दे डाली। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने किसानों से कहा है कि अगर आप कार्यालय बंद कर देंगे तो हम जनसुनवाई कैसे करेंगे। बता दें कि किसान लंबे समय से चीनी मिल चालू कराने की मांग को लेकर डीएम और मंत्रियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। कि आज हम सुबह से जो धरना दे रहे थे नई चीनी मिल के पैसे पे दे रहे थे, प्रशासन हमसे सुबह से आज एक वीडियो दिखा करके कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए, मतलब घोषणा कर दी है चीनी मिल की। हमने कहा ये घोषणा जो है ये एक आश्वासन है, इसकी जो भी एक लिखित है वो हमें दिखा दीजिए, हम लोग मान जाएंगे। जो भी उन्होंने कहा है कहीं लिखित में तो होगा, उन्होंने सुबह से कोई हमें ऐसा कोई लेटर नहीं दिखाया। अभी मुख्यमंत्री जी का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो सदन में बोला है उसका 116वें पेज पर हमें बताया कि जो हमारा बजट है उसके 116वें पेज नंबर पर है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के पुरोहित और भवन स्वामी साल 1962 से लगातार भूमि बंदोबस्त की मांग कर रहे हैं, जिस मांग पर अब प्रदेश सरकार की ओर से सकारात्मक रुख अपनाया गया है। संबंध में गंगोत्री धाम के पुरोहितों और बाशिंदों ने पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। गंगोत्री धाम के पुरोहितों और बाशिंदों ने पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज से भी मुलाकात की, जिस पर सतपाल महाराज ने गंगोत्री धाम में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया पर जल्द कार्रवाई शुरू करने के लिए सचिव को निर्देश भी दे दिए हैं। मेरे पास पंडित कृपाराम सिंहवाल जी खड़े हुए हैं और आपने पहले भी प्रार्थना दी थी कि गंगोत्री धाम के अंदर लैंड सेटलमेंट जो है किया जाए, मैंने सेक्रेटरी को निर्देशित कर दिया है और उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सिंहवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये कार्य अगर पूरा होगा तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा और सबको बहुत है न्याय मिलेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक उत्तराखंड की जनता के बीच दिल्ली मॉडल की बात रख रहे हैं। मंगलौर के अर्जनपुर निजामपुर गाँव में नवनीत राठी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम बिधूड़ी जनसभा में पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने केवल जनता को ठगने का काम किया है, ये केवल जनता का शोषण करने में जुटी है। दिल्ली में स्कूल की हालत को सुधारा गया, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ, शिक्षा और चिकित्सा में दिल्ली सरकार ने सभी को पीछे छोड़ दिया। उत्तराखंड में आप पार्टी के आने के बाद अन्य दलों में खलबली मची हुई है। कहते ना, हाथ कंगर को आरसी क्या, पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। दिल्ली दूर थोड़ी है, अभी जितनी योजनाएं मैंने बताई हैं ये भी यहाँ लागू करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपने जमान से घोषणा कर चुके हैं 300 यूनिट फ्री का, 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये। ये कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए यहाँ पूरा स्टेट का दर्जा है,
यहाँ दिल्ली में क्या है, ना सरकार के पास लैंड है ना लाइन ऑर्डर है। यहाँ तो सरकार के पास लैंड भी है, लाइन ऑर्डर भी है, स्टेट का पूरा दर्जा है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है। दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप मीडिया बंदों को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सही चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारी जो बात है, हमारी जो योजनाएँ हैं, वो लोगों तक पहुँच रही हैं। देखो, बस एक चीज़ जो मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि हमारे विधानसभा के लोग त्रस्त हैं। उन्होंने अपने नेताओं को वोट के टाइम पे देखा और सबने वो भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने अपनी जनता को डोर टू डोर कभी कैंपेन किया होगा या आम जनता से, गरीब लोगों से भी कभी मिले होंगे। विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोशीले अंदाज में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा कि सभी लोग आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को सत्ता में काबिज करवाने को अपना मन बना चुकी है और जगह जगह वर्तमान बीजेपी सरकार का विरोध होना शुरू हो गया है। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी और कांग्रेस प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।